अपनी किसी पुरानी फेवरेट ड्रेस में वापस से फिट होना हो, या दोस्तों या रिश्तेदारों की शादी में फ्लैट टमी को फ्लॉन्ट करना हो, इस सब के लिए हम सबसे पहले अपनी डाइट में ग्रीन टी को शामिल करते हैं। यही वजह है कि ग्रीन टी दुनिया भर में मैजिकल चाय के रूप में मशहूर हो गई है। बहुत से स्टडीज़ में ग्रीन टी के फ़ायदों के बारे में बताया गया है, लेकिन ग्रीन टी पीते वक्त आपको कुछ ज़रूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए। साथ ही एक दिन में 2 से 3 कप से ज़्यादा ग्रीन टी भी नहीं पीनी चाहिए। ज़्यादातर लोगों को सबसे बड़ी गलतफहमी ये होती है कि खाने के तुरंत बाद ग्रीन टी पीने से खाने से शरीर को मिली कैलोरीज जादुई तरीके से गायब हो जाती है, लेकिन इस बात में कोई सच्चाई नहीं है और ये बात पूरी तरह से गलत है। खाना खाने के बाद भोजन में मौजूद प्रोटीन को पचने में वक्त लगता है। ऐसे में अगर आप खाने के तुरंत बाद ग्रीन टी पी लेते हैं तो पाचन की इस प्रक्रिया में रुकावट आती है, जिससे डाइजेशन से जुड़ी समस्या हो सकती है। लिहाजा खाने के तुरंत बाद ग्रीन टी पीने से बचें। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्हें बेहद गर्म चाय पसंद होती है, कप में छानी और बस मुंह तक पहुंचाई। लेकिन ग्रीन टी के मामले में ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बहुत ज़्यादा गर्म ग्रीन टी पीने की वजह से न सिर्फ इसका स्वाद बिगड़ जाता है, बल्कि इससे आपके गले और पेट को भी तकलीफ पहुँच सकती है। ग्रीन टी पीने का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले, इसके लिए ज़रूरी है कि आप इसे गुनगुना ही पिए। बहुत से लोग ग्रीन टी को ज़्यादा हेल्दी बनाने के लिए उसमें शहद डालकर पीना पसंद करते हैं, लेकिन जिस तरह बहुत ज़्यादा गर्म टी पीना नुकसानदायक होता है, उसी तरह ग्रीन टी को उबालते वक्त अगर आप उसमें शहद डालते हैं तो इससे शहद की न्यूट्रिशनल वैल्यू खत्म हो जाती है। ऐसे में जब ग्रीन टी का टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाए तब उसमें शहद और दालचीनी मिलाकर पिएं। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा कि जो सुबह की दवाइयों को पीने की बजाय ग्रीन टी के साथ लेते हैं, ऐसा बिल्कुल ना करें और ये आपकी सेहत के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। दवाइयों का केमिकल कंपोजिशन ग्रीन टी के साथ मिलकर एसिडिटी की समस्या पैदा कर सकता है, लिहाजा रेगुलर दवा खाने के लिए पानी का ही इस्तेमाल करें। मार्केट में इस वक्त आपके स्वाद और टेस्ट को ध्यान में रखते हुए ग्रीन टी के ढेरों फ्लेवर्स मिल रहे हैं। बहुत सी ग्रीन टी तो ऐसी ही होती है कि सिर्फ उसकी बिक्री बढ़े, इसके लिए उसमें ढेर सारे आर्टिफिशियल फ्लेवर मिला दिए जाते हैं। ये सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकता है, लिहाजा नेचुरल फ्लेवर वाली ग्रीन टी का सेवन आपके लिए बेहतर होगा। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।